उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में किसान परिवार लोगों के लिए मिसाल है। 50 सदस्य वाले इस परिवार ने ऑर्गेनिक खेती के जरिए कौशाम्बी में कमाल कर दिखाया। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में शहर के शोर शराबे से दूर ये है मिर्दहन गांव, जहां ऑर्गेनिक खेती से किसान अपनी बंजर भूमि से सोना उगा रहे हैं। ऐसे ही एक किसान परिवार से आज हम आपको मिलवाएंगे। जिनकी मेहनत कौशाम्बी में कमाल दिखा रही है। कभी घाटे का सौदा रहे खेती को परिवार ने मुनाफे का सौदा बना दिया है। दरअसल परंपरागत खेती की वजह से जमीलुद्दीन खेती में कुछ खास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनके बेटे अब्बास हुसैन ने खेती की आधुनिक तकनीक को तवज्जो दिया और डिमांड सप्लाई के हिसाब से खेती करने का फैसला किया। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर फर्टिलाइजर यूज़ होने से जो है खेतों की उपज कम होने लगी। पापा लोग ज़्यादा मेहनत करते थे लेकिन वो उपज नहीं मिलती थी, जिसकी वजह से मैं जो है ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है ध्यान मोड़ा उनका। मैंने अपनी पढ़ाई को यूटिलाइज़ किया और मैंने कृषि की भी बहुत सी किताबें पढ़ी, जिसमें मैंने गोबर प्लांट लगवाया। उसके बाद जो है मैंने बायोस्टेट कंपनी भी पकड़ी बायोजाइम की, जिससे मैं ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है मोड़ के फिर मैं उन खेतों से वो उपज जो है दोबारा ले सकूं। इसलिए मैंने जो है बाहर का जाना छोड़ के ऑर्गेनिक खेती की तरफ जो है पूरे परिवार का ध्यान मोड़ा। देखते ही देखते अब्बास की मेहनत रंग लाने लगी और करीब 80 बीघे में फसल लहलहाने लगी। अब्बास ने इसके लिए मेरठ कृषि अनुसंधान केंद्र और पंजाब जाकर खेती करने की बारीकियों को करीब से जाना। इसलिए हम मेरठ बीज अनुसंधान केंद्र आलू के लिए गए और पंजाब जो है घूमने गए और उस यंत्र को वहाँ से पाए और ला के यहाँ खेती करना शुरू किया। खेती से आज भी हमको बेनिफिट मिल रहा है। करीब 50 सदस्यों वाला ये परिवार आज पूरी तरह से खेती पर निर्भर है। इस परिवार ने घर में मवेशी भी पाल रखे हैं। घर में करीब 15 गाय और भैंस हैं, जिनके गोबर का इस्तेमाल खेत को उपजाऊ बनाने में किया जाता है। इसके लिए इन्होंने घर में ही गोबर गैस प्लांट लगा रखा है।